KVS एडमिशन 2023-24 केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने चाहते हैं बच्चे को, जानिए कैसे होता है एडमिशन, क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के अवसर सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं, इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और आखिर में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों को मौका मिलता है। KVS एडमिशन 2023-24 केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना कई माँ बाप का सपना होता है। कुछ लोग जो जानकार होते हैं वे अपने बच्चे का एडमिशन करवा भी लेते हैं, पर जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वे इधर उधर भटकते हैं। इसलिए इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। बता दें कि एकेडमिक सेशन 2023-23 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया फरवरी 2023 में शुरू होगी। केंद्रीय विद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पहली से बारहवीं क्लास तक के एडमिशन की प्रक्रिया फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक रहेगी। जानकारी दे दें कि केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी से बारहवीं क्लास तक एडमिशन ऑफलाइन मोड में होंगे। कक्षा एक में एडमिशन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होता है, जिसमें कैटेगरी वाइज वरीयता मिलती है। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है, वहीं 2-8 तक का एडमिशन ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम से होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं वह KVS की वेबसाइट quizonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ध्यान दें कि KVS ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फ्री होता है। KVS एडमिशन 2023-24 इन 5 कैटेगरी में बांटी जाती है सीटें। 1. सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एक सर्विसमैन के बच्चों को मौका दिया जाएगा। 2. ऑटोनॉमस संस्थाओं PSU या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। 3. इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। 4. संबंधित राज्य के PSU और ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा। 5. अन्य कैटेगरी के और विदेशियों के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। KVS एडमिशन 2023-24 जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आज ही इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें। 1. जन्म प्रमाण पत्र। 2. निवास प्रमाण पत्र। 3. बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। 4. सर्टिफिकेट यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं। 5. इग्लू सर्टिफिकेट यदि लागू हो। 6. सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो एफिडेविट। 7. एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट। 8. चाइल्ड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। KVS एडमिशन 2023-24 उम्र सीमा। ये एडमिशन के लिए उम्र सीमा है जो क्लास वाइज होती है। 1. पहली और दूसरी क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च को कम से कम 6 साल और अधिकतम 8 साल होनी चाहिए। 2. तीसरी क्लास के लिए उम्र कम से कम 7 साल और अधिकतम 9 साल होनी चाहिए। 3. चौथी क्लास में एडमिशन के लिए उम्र कम से कम 8 साल और अधिकतम 10 साल होनी चाहिए। 4. पांचवीं क्लास के लिए उम्र सीमा 9-11 साल है। 5. छठवीं क्लास के लिए उम्र 10-12 साल होनी चाहिए। 6. सातवीं क्लास के लिए उम्र सीमा 11-13 साल है। 7. आठवीं क्लास के लिए उम्र 12-14 साल के बीच होनी चाहिए। 8. नौवीं क्लास के लिए 13-15 और दसवीं के लिए 14-16 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। 9. ग्यारहवीं क्लास में एडमिशन के लिए उम्र सीमा की कोई बंदिश नहीं है।